और क्या है छोटे बड़े भाइयों, मैं थारा भाई बिलाल है चरकातर और स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का YouTube चैनल पर। और आज मैं मौजूद हूँ हरियाणा के जिला यमुनानगर और इसमें गांव पड़ता है ये लेदी, तो यहाँ पे मैं हूँ इस समय। और यहाँ पे देख सकते हो गोल्डी स्टील हाउस एंड इलेक्ट्रिक वर्कर्स के नाम से यहाँ पे एक दुकान है। यहाँ पर स्टील, लोहे व बिजली का हर प्रकार का काम किया जाता है। फैंसी गेट, ग्रिल, किचन फिटिंग इत्यादि व बिजली उपकरणों का काम यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो इस समय शायद गोल्डी जी यहीं पे हैं, उनसे जानेंगे यहाँ के बारे में भाई क्या क्या काम करते हैं, तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो में। और क्या नाम भाई जी? और ठीक ठाक भी? ठीक ठाक है। क्या नाम भाई का? मेरा नाम रणधीर सिंह है जी। अच्छा जी, तो अपना काम है जी गोल्डी स्टील हाउस के नाम से। अच्छा जी, हाँ, ये लिद्दी रोड पे पड़ता है जी। जैसे छछरौली से आप शेरपुर से लिद्दी रोड पड़ेगा ना, अच्छा, उसके बीच में ये लोप्यो गांव आता है। लोप्यो गांव के 500 मीटर के दायरे में ही अपना दुकान पड़ती है जी। अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हो? जैसे कि हमारा तो जी फैंसी गेट, ग्रिल और किचन फिटिंग वगैरह, फाइबर सेट, टीन सेट, अपना अच्छा। सभी काम, मतलब लोहे से, MSC और स्टील से रिलेटेड सब काम करते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया जी। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, भाई ने ये साइड एक कितने दिन पहले किया है काम? ये काम अभी 2 दिन हुए जी अभी इस काम को। अच्छा, हाँ, और हम दो बंदे थे, मैं और मेरा ब्रदर है छोटा, उसने, हमने दोनों ने ही काम किया है फाइबर सेट। तो इस पे कितना खर्चा आ जाता है अगर घर में कोई करवाना चाहे? ये फाइबर सेट का आपका जैसे लंबाई चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी लंबाई 10 फुट है और चौड़ाई 20 फुट है, तो ये 200 फुट हो गया, तो आपका 100 रुपये फुट में अप्रोक्स खर्चा आता है इसमें। जैसे 100 रुपये फुट में हम पेंट भी करके देते हैं और सारा तैयार करके देते हैं आपको। और दोस्तों मेन बात ये भी है कि अगर आप घर में साइड वगैरह डलवाते हो तो उसमें जो है भाई पेंट भी करके देते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अलावा स्टील का काम, इसके अलावा जो स्टील का अपना गेट, ग्रिल, फैंसी गेट आप देखते अच्छा। होंगे। और जैसे ही दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी अभी ये स्टील के जो ऊपर रेलिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ जी रेलिंग, सीढ़ियों की रेलिंग होती बिल्कुल है। तो ये देख रहे होंगे आप, तो इसका क्या रेट है? इसका स्क्वायर फुट के हिसाब से पड़ता है जी। जैसे हमारा स्टार्टिंग रेंज है जैसे 300 रुपये स्क्वायर रनिंग फुट के हिसाब से चलता है जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें हाँ स्टील में मतलब कुछ स्टील जैसे एक 304 और 316। अगर आपको 304 में जो है ना वो थोड़ा कम रेंज में पड़ जाएगी, अच्छा। और 316 उससे हैवी रेंज पड़ जाएगी, और फिर उससे भी मतलब 304 से नीचे है थोड़ा, अच्छा, 202 ग्रेड में JT होता है जो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अभी जो है गेट दिखाता हूँ जो भाई ने स्टील का बनाया है, तो भी देखेंगे। तो भाई ये कहाँ पे बनाया है? ये गेट अपनी दुकान पे ही बना है जी। गेट यहाँ दुकान पे आप काम करते हो या घर में भी जा करके? अगर कोई ज्यादा काम हो, अगर जो ज्यादा काम होता है जैसे किसी की बड़ी कोठी में काम है अपना ग्रिल ने और गेट वगैरह सब कुछ बनना है, तो हम गांव में वहीं पे घर पे जाके भी अपना काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, लेबर रेट पे काम होता है जी हमारा यहाँ पे सारा, A to Z। बहुत बढ़िया। ये जनरेटर, ये जैसे काम कभी कई बार काम ज्यादा हो जाता है तो जनरेटर भी यूज करना पड़ता है, जैसे जल्दी किसी कस्टमर को जल्दी काम चाहिए कि किसी के पास शादी आया, क्योंकि आजकल सभी को जल्दी है तकरीबन। और ये बहुत ही बढ़िया काम कर क्या भाई ने, यहाँ पे जनरेटर भी रखे है कि मतलब जैसे लाइट वगैरह भाग जाए तो उसके बाद जो है इसको जनरेटर को स्टार्ट करके तुरंत काम करके जो है कस्टमर को देते हैं कि उसको किसी बात की परेशानी दिक्कत ना हो और उसका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। और अंदर से दिखाऊंगा मैं भाई की दुकान, यहाँ पे जो है थोड़ा साइड सी बनाई रखी भाई ने, क्योंकि यहाँ पे अपने सरिये वगैरह जो भी है रखते होंगे। और तो तकरीबन भाइयों वेल्डिंग की दुकान इसी प्रकार से होती है, इसमें कोई 100 पीस तो बना नहीं सकते इसको, क्योंकि तो दीवारें काली होनी है, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग का काम ऐसे होता है और इससे धुआं निकलता है, तो कुछ हालत ऐसी हो जाती है भाइयों। और
अगर भाई हमारा नाम लेकर कोई आवा वीडियो देख का, तो उसके लिए कुछ वो करेंगे? उसके लिए कुछ डिस्काउंट दे देंगे जी, जैसे भी बिलाल भाई बोल लेंगे कि आप भैया का काम आपने डिस्काउंट दे के करना है, ऐसे ही कर देंगे कुछ। बिल्कुल, अगर आप घर में स्टील या लोहे का गेट, रेलिंग, कुछ भी किसी भी प्रकार का स्टील लोहे से रिलेटेड आप काम कराना चाहते हो, एक बार लेदी में जरूर आए। मैं आपको यहाँ की थोड़ी लोकेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे साइड में इसके जो है ये कार एक गैरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा हाँ रोड भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो रोड है आपको नजर आ रही होगा, ये छतरौली साइड से आता है, ये लेपो मोड़ है यहाँ पे, और इस साइड में जो है यहाँ से लेदी स्टार्ट हो जाता है। लेदी जाने से पहले स्टार्टिंग में है भाई की दुकान है, मैं थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं गोल्डी एंड वेल्डिंग वर्कर्स, और भाई का नंबर वहां पे लिखा है, लेकिन मैंने स्क्रीन पे भाई का नंबर दे दिया है। आप भाई को कॉल करके किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, लोहे या ग्रिल्स, रेट वगैरह जो भी, और एक बार भाई को सेवा का मौका जरूर दे, तो मैं भाई से जानूंगा कि आप कहाँ कहाँ तक सर्विस देते हो, कहाँ कहाँ पर आपने काम किया है। भाई यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में आप जहाँ मर्जी काम हो आपका, हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। अगर 100 किलोमीटर से बुलाए? 100 किलोमीटर में वो थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके चार्जिंग थोड़ी सी अलग अलग जाती है, जैसे हाँ मतलब जैसे किलोमीटर के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, भाई जो है दूर दूर भी जा सकते हैं, उसके लिए काम भी वैसा होना चाहिए। ये तो है नहीं भाई कि आप एक दिन के लिए इनको बुलाएंगे क्योंकि आने जाने में रह जाएंगे। अगर थोड़ा लंबा काम हो तो भाई कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, कर सकते हो ना भाई? हाँ जी हाँ जी, जहाँ मर्जी आप ऑल इंडिया में कहीं भी हो, कोई दिक्कत। और आप रेट रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रेट ट्राई करके आ सकते हो? हाँ रेट ट्राई करके आप बिल्कुल, आप बिल्कुल रेट ट्राई करके, तो आप रेट ट्राई करके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी मतलब किसी भी तरह का आपको रेट ट्राई करना, हमारे पास भी आ सकते हैं ट्राई करने रेट, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, आप रेट बाहर भी ट्राई करो और भाई के पास भी आओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगे यहाँ कि इसमें कुछ बचत है तो भाई से काम जरूर करें। ये लेदी गांव है हरियाणा जिला यमुनानगर के अंदर, वहाँ पे भाई की दुकान है जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखा दिया है, और भाई का नेचर भी बहुत अच्छा है। बात तो, जो लोकल भाईचारा अपना वीडियो देख रहा है, जैसे डाहरपुर, ताहरपुर, कोट के पास कौन कौन से कोट हो गया, जैसे लेदी के पास माणकपुर ललाड़ी, जहाँ कहीं से भी मेरे लोकल भाईचारा जुड़ रहा है चैनल पर, वो एक बार यहाँ पर जरूर ट्राई करें। आप घर में शेड डलवाना चाहते हो, फाइबर की होगी जैसे कि, और जैसे कार वगैरह खड़ी करने के लिए आजकल बनाते हैं, वो अच्छी भी लगती है भाइयों, और उससे जो है जैसे हमारी गाड़ियां वगैरह हो गए या बाइक हो गई, तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि उनको जो है शेड में करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और वो गंदी भी नहीं होती, बार बार उनको धोना भी नहीं पड़ता। तो आप ये काम करा सकते हो भाई से, और यही कहूँगा जो अपना लोकल भाईचारा देख रहा है, एक बार गोल्डी भाई से जरूर मिले और आयन के पास रेट ट्राई करके भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप मेरा नाम लोगे यहाँ पे भाई, उसमें जो है कुछ ना कुछ करेंगे ना भाई, डिस्काउंट जरूर करेंगे भाई। तो एक बार ऐसा बोल दियो बिलाल है 73 भाई के सब्सक्राइबर हैं हम, और आपसे काम कराना चाहते हैं, तो भाई बिल्कुल काम करेंगे। आप किसी भी गांव से हैं, एक बार जरूर पहुंचे यहाँ पे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप पहुंचे हरियाणा यमुनानगर के गांव लेदी में, भाई का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो गोल्ड स्टील हाउस एंड इलेक्ट्रिकल वर्कर्स। तो और तकरीबन हमने सारी जानकारी दे दी है आपको, और कुछ कहना चाहोगे गोल्डी भाई? थैंक यू जी। तो जरूर पहुँचे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका दोस्त बिलाल है 73 एंड मेरे साथ गोल्डी भाई वेल्डिंग स्टील का सभी काम करते हैं जो वो थे, तो बड़ी खुशी हुई मेरे को यहाँ पे पहुँच के। अगर आप भी किसी प्रकार की एडवर्टाइज करवाना चाहते हो तो अपने भाई से संपर्क जरूर करें, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी शो रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।